दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराने के बाद पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव, भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को सब पसंद करते हो और चाहते हो कि वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विश्व कप 2019 का 26वां मैच 20 जून को ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर के शतक तथा गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश को 48 रनों से हरा दिया। बता दी कि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने फिंच के बेहतरीन शानदार पारी खेली, उन्होंने 53 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद डेविड वार्नर ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 166 रन जोड़े। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उस्मान खाजा ने 89 रन की धमाकेदार पारी खेली और इन सभी पारियों की बदौलत 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 381 पर 5 का स्कोर बनाया। दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 382 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुशफिकुर रहीम के शतक के बदौलत, इसके बावजूद भी वह 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 333 रन बना सकी। रहीम के अलावा महमूदुल्ला ने 69 रन बनाए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 48 रनों की रोमांचक जीत हासिल करने के बाद अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुँच गई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जीत से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को एक एक स्थान का घाटा हुआ है। दोस्तों आप सभी को बता दी कि वही अंक तालिका में नीचे 3 स्थानों पर काबिज टीमें दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान विश्व कप 2019 से लगभग बाहर हो चुकी हैं। इन टीमों को एक हार मिलते ही यह विश्व कप से आधिकारिक रूप से बाहर हो जाएंगी। और दोस्तों अब बात की जाए पॉइंट्स टेबल की, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 6 मुकाबले खेलकर 5 में जीत दर्ज कर एक हार के साथ पॉइंट टेबल में उनके 10 अंक हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि वह पॉइंट टेबल में नंबर 1 के स्थान पर है। वहीं दोस्तों बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते हैं और दोस्तों आप सभी को बता दी कि एक मुकाबला उनका रद्द हो चुका है और पॉइंट टेबल में उनके 9 अंक हैं, जिसके बाद वह नंबर 2 के स्थान पर है। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि इंग्लैंड ने 5 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की है, वहीं 1 में हार मिली है। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि पॉइंट टेबल में उनके 8 अंक हैं, जिसके बाद वह नंबर 3 के स्थान पर मौजूद है। और दोस्तों बात की जाए हमारे भारतीय टीम की, तो वह 4 मुकाबलों में 3 जीत लिए हैं और उसके बाद एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ रद्द हुआ है। और उनके अंक देखे जाए तो पॉइंट टेबल में उनके 7 अंक हैं, जिसके बाद वह नंबर 4 के स्थान पर है। तो दोस्तों आप सभी को बता दी कि ऊपर की 4 टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत, यह 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच सकती है और बहुत सारे आसार हैं कि यह टीमें पहुंचेंगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारतीय टीम के बहुत सारे मुकाबले अभी खेलने बाकी हैं, उसके बाद भारतीय टीम का पॉइंट टेबल देखने लायक होगा और हम आशा करते हैं कि भारतीय टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 के स्थान पर हो। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 2 के स्थान पर आएगी? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और दोस्तों भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि सबसे ज़्यादा रनों के मामले में दोस्तों डेविड वार्नर हैं और सबसे ज़्यादा विकेट के मामलों में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं। दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर दोस्तों, भारत जीतेगा तो सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की होगी। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला 22 जून को होना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस विश्व कप में भारत का अगला मुकाबला इस विश्व कप में सबसे कमज़ोर टीम अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला है। आंकड़ों के अनुसार भारत आसानी से हमें जीत सकता है, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय भारत को नहीं हराया है। इसके अलावा यह मैच 22 जून को शनिवार को दोपहर में 3 बजे से साउथहैम्पटन के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप के पॉइंट टेबल की लिस्ट में भारत 7 पॉइंट के साथ नंबर 4 के स्थान पर है और अफगानिस्तान आखिरी स्थान पर उपलब्ध है।
दोस्तों आप सभी को बता दी कि मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत अगर मैच यह अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीत लेता है तो भारत आसानी से इस विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। मौजूदा पॉइंट टेबल की लिस्ट में भारत 7 अंक के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारत यह मैच जीत जाता है तो 9 पॉइंट हो जाएंगे और इस लिस्ट में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। इस वजह से भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की है। इसके अलावा अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, यह टीमें लगभग बाहर हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान के अगले 4 मैचों में से एक मैच भी हार जाता है तो वह विश्व कप से बाहर हो जाता है। दोस्तों आप सभी को भारतीय टीम के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बता दें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ओपनिंग करने आएंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को बड़ा लक्ष्य मिला था। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि केएल राहुल भी रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर आएंगे। केएल राहुल ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। दोस्तों वहीं पे बात की जाए नंबर 3 की तो वहां पे आएंगे विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी भारतीय टीम के अहम घड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, वह अगर रन बनाते हैं तो भारतीय टीम का जीतना पक्का हो जाता है। और उन्होंने पिछले पाकिस्तान के खिलाफ हुए गए इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करके अर्धशतकीय पारी खेली थी। दोस्तों वहीं पे नंबर 4 की बात की जाए तो वहाँ पे दिखेंगे आपको ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। दोस्तों आप सभी को बता दी कि शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल हो गए थे जिसके बाद उन्हें 2-3 हफ्तों के लिए रेस्ट दिया गया था। जिसके बाद आप सभी को बता दी कि शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह विजय शंकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आए थे। लेकिन आप सभी को बता दी कि कल ही विजय शंकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चोटिल हो गए हैं और वह भी 2-4 मैचों के लिए बाहर हो चुके हैं। जिसके बाद नंबर 4 पर ऋषभ पंत का आना लगभग तय है। दोस्तों ऋषभ पंत के बारे में बात की जाए तो वह IPL में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कुछ ऐसे मुकाबले खेले हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खुद के दम पर जिताए हैं। जिसके बाद यह तो तय है कि ऋषभ पंत को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले 22 जून को इस मुकाबले में उन्हें मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 की बात की जाए तो वहाँ पे आएंगे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ दोस्तों, सभी के दिलों में राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 पर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी वह खिलाड़ी हैं जो दोस्तों आप सभी को बता दी कि आखिरी ओवर में बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और फिनिशर के तौर पर अपनी भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों वहीं पे नंबर 6 की बात की जाए तो वहां पे आएंगे केदार जाधव। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के अहम बल्लेबाज और गेंदबाज केदार जाधव एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और जब भी भारतीय टीम मुश्किलात में होती है तो केदार जाधव की बेहतरीन पारी हमें बहुत सारी मदद कर देती है। वहाँ पे दोस्तों उसके बाद नंबर 7 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के मुख्य ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आपको नंबर 7 पर आते हुए दिखेंगे क्योंकि आखिरी ओवर में वह छक्के लगाने का दम दिखाते हैं। हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से भी वह बेहतरीन और लाजवाब। जिसके बाद आप सभी को बता दी कि हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर आएंगे। वहीं पर बात की जाए कुलदीप यादव की तो दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारतीय टीम के रिस्क पिनर कुलदीप यादव नंबर 8 पर आएंगे, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि कुलदीप यादव की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों नंबर 9 पर आएंगे युजवेंद्र चहल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दी कि युजी चहल के नाम से जाने जाने वाले युजवेंद्र चहल नंबर 9 पर आ सकते हैं, बेहतरीन भारतीय टीम की गेंदबाजी करते हैं। जिसके बाद यह तो तय है कि युजी चहल नंबर 9 पर आएंगे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, नंबर 10 पर आएंगे मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दी कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए गए इस मुकाबले में मोहम्मद शमी को ज़रूर मौका नहीं मिला, उन्हें मौका नहीं दिया गया। और जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो वह भी बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन आप सभी को बता दी कि भुवनेश्वर कुमार चोटिल हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार को चोट लगी है जिसके बाद वह 2-3 मुकाबलों से रेस्ट किए गए हैं, उसके बदले में मोहम्मद शमी को पिकअप किया जाएगा। और दोस्तों नंबर 11 पर आएंगे जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक भारतीय टीम के अहम गेंदबाज हैं जो कि भारतीय टीम को विकेट दिला में सफलता हासिल करते हैं और जसप्रीत बुमराह का आना लगभग तय है।
तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना है। दोस्तों आप सभी को बता दी कि आपसे हमारा एक सवाल है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत सकती है या अफगानिस्तान की टीम, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। और दोस्तों आप सभी को बता दी कि ऋषभ पंत की वापसी होनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, क्योंकि ऋषभ पंत की लगभग तो वापसी तय हो गई है और विजय शंकर भी चोटिल हो गए हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि विजय शंकर को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है 22 जून को, उसमें ऋषभ पंत को पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का खिलाया जाएगा।